मैं कैलाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपके लाए एक बेहतरीन बुक की समरी, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक की समरी देने वाला हूँ, जिसके प्रिंसिपल मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत बेहतरीन बुक है, बिजनेस के ऊपर एक बुक है। अगर आप लाइफ में कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बुक आपको बहुत काम आएगी। हाँ जैसे दोस्तों मैं बता दूँ कि आज के इस ग्रोइंग कंपटीशन वर्ल्ड में हम जो भी बिजनेस करते हैं वो एक ह्यूज सक्सेस नहीं बन पाता, हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, वो सक्सेस बड़ी नहीं बन पाती। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, इस बुक की समरी आपको बहुत काम आएगी। दोस्तों इस बुक के कुछ ऐसे प्रिंसिपल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो इस बुक का नाम है 0 to 1, जिसके राइटर है पीटर थिल। दोस्तों पीटर थिल खुद एक बहुत बड़ी कंपनी के को फाउंडर है, पेपल उनकी कंपनी है, उन्होंने बनाई थी, आज वो बिलियनर कंपनी है। दोस्तों उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों जब वो एक बार स्टैनफोर्ड में एक लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ से उन्हें बाद में उन्होंने इस बुक का आइडिया बताया, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल थे वो चाहते थे सिर्फ उनके शहर या उनके देश तक नहीं रहे, पूरे वर्ल्ड में फैले, ताकि हर जो इंसान बिजनेस करना चाहता है उन प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बुक के कुछ प्रिंसिपल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन प्रिंसिपल है, तो ज़रूर सुनिएगा इन प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से। दोस्तों पहला प्रिंसिपल आता है कि 0 to 1, ऑलवेज गो फ्रॉम 0 to 1। तो 0 to 1 क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसी वर्टिकल प्रोग्रेस है। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि पहले के ज़माने में जैसे कि ट्रैवलिंग चलती थी घोड़ों से, अगर उस समय आप लोगों को घोड़ों की बजाय घोड़ा गाड़ी बना के देते थे तो दोस्तों उस प्रोग्रेस को आप 0 to 1 नहीं कहेंगे, 1 to n, मतलब वहाँ से आप कॉपी कर रहे हो और 1 to n जा रहे हो, तो वो आपकी जो प्रोग्रेस है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है, आप वहाँ से कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे। अगर उसके बजाय अगर आप घोड़े गाड़ी की बजाय आप उनको अगर कार बना के देते जैसे कि हैंडी फोर्ड ने किया, तो वो प्रोग्रेस आपकी 0 to 1 होगी, वर्टिकल प्रोग्रेस, मतलब आप कुछ नया क्रिएटिव दे रहे, कुछ नया दे रहे लोगों को, तो दैट इज प्रोग्रेस, वो आपकी सक्सेस 0 to 1 होगी। तो राइटर यही कहता है कि ऑलवेज गो फ्रॉम 0 to 1, लोगों को कुछ ऐसा दीजिए जो आज तक कभी ना हुआ, कुछ नया क्रिएट करके दीजिए, ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है वो यूज हो सके, आपकी सक्सेस एकदम यूज हो सके, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल जाने की ऑलवेज वर्टिकल जाने की सोचिए। तो दोस्तों राइटर का यही कहना है कि ऑलवेज ग्रो फ्रॉम 0 to 1, ताकि आप कुछ नया बनाए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किन लोगों ने 0 to 1 गए, तो मैं मार्क जुकरबर्ग की बात करता हूँ, जो फेसबुक के को फाउंडर है। उन्होंने ऑलवेज ऐसी चीज़ बनाई जो अभी तक कोई नहीं बनाया, सोशल पेज, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला कोई ऐसा बनाएगा नहीं। अगर मैं बिल गेट की बात करूँ तो आने वाला कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बिल गेट जैसा बनाएगा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट। और लैरी पेज की बात करूँ तो उन्होंने गूगल जैसी चीज़ बनाई जो कि आज वन ऑफ द बेस्ट है, गूगल सर्च इंजन। दोस्तों तो आपको ऐसा कुछ करना होगा, मतलब 0 to 1 जाना होगा। दूसरा दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, वो है कि बिकम अ मोनोपोली एंड अवॉइड कॉम्पिटिशन। दोस्तों आज हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे हर जगह कंपटीशन है, हमें स्कूल में भी कंपटीशन सिखाया जाता है, मार्क्स के लिए कंपटीशन। अगर वहाँ कोई नहीं मिलता तो हम घर पे नेबर्स के साथ कंपटीशन चालू कर देते हैं, नेबर्स से कंपटीशन करते हैं, उससे बड़ी गाड़ी लेना, उससे बड़ी टीवी टेलीविजन लेना, ये सब स्टूपिड थिंग्स हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बात करूँ बिकम एक मोनोपोली, तो ऐसा होना होगा कि सिर्फ उसी में आपको बेस्ट होना होगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो मोनोपोली होना होगा, जैसे कि गूगल है। अगर आज मैं आपको कुछ भी सर्च करने के लिए गो कि आप इस चीज़ पर सर्च कीजिए, तो आप ऑब्वियसली बिना पूछे बिना कुछ भी कहे गूगल पे जाएंगे, बिकॉज आपको पता है गूगल इज द बेस्ट फॉर सर्च इंजिन। तो आपको ऐसा कुछ बनना होगा। दोस्तों मैं अगर कंपटीशन की बात करूँ तो आपको कंपटीशन अवॉइड करना होगा, कि कंपटीशन में आपको सिर्फ लॉस होगा, आप कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ कीजिए क्योंकि आप उसमें लेस से लेस कंपटीशन हो और आप मोनोपोली बन सको। दोस्तों ऑलवेज गो फॉर मोनोपोली एंड लेस कंपटीशन, कंपटीशन ऑलवेज अवॉइड कीजिए। और अगर हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ, दोस्तों ये थर्ड रूल बहुत ही कमाल का है। इसमें बताया गया है कि ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल मार्केट एंड डोमिनेट। इस रूल का मतलब ये होता है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसको स्मॉल लेवल से कीजिए, आप उसका टेस्टिंग कीजिए स्टार्टिंग में, एकदम बड़े लेवल पे मत करने की कोशिश कीजिए। आप उसको स्टार्ट कीजिए स्मॉल लेवल से, क्या वो वर्क करता है, क्या वो काम कर रहा है, उसके स्मॉल लेवल से स्टार्ट कीजिए, एक बार टेस्ट कीजिए, उस जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो मार्केट में दीजिए, अगर उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उसके कुछ जो बेनिफिशियल पॉइंट है उसके साथ में स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको उसके जो रिजल्ट मिल सके। तो ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल बिजनेस। दोस्तों आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं अदर कंपनी के। दोस्तों पहले के ज़माने में हम बुक पढ़ते थे, हमें लाइब्रेरीज में जाके पढ़ना पड़ता था, हमें उनको खोजना पड़ता था, और बहुत सारी बुक हमें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो पब्लिशर थे उनको बहुत नुकसान होता था, बिकॉज हमें बहुत सारी बुक नहीं मिल पाती थी। तो इसी के लिए एक कंपनी ने आइडिया लगाया कि इन बुकों को वो सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अमेजन करके बुक जो आप आज हम
देख रहे इतनी बड़ी कंपनी, वो कोई पहले इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, उन्होंने एक आइडिया लगाया था कि वो बुक को ऑनलाइन सेल करेंगे और ये आइडिया उनका चल गया। ऑनलाइन बुक सेलिंग का आइडिया इतना ज़बरदस्त था कि लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों ने खरीदना चालू किया और वो हिट हो गई। तो दोस्तों अमेजोन भी एक स्मॉल मार्केट से उन्होंने स्टार्ट की थी, बाद में उन्होंने बड़े लेवल का मार्केट डोमिनेट किया, तो उनकी जो स्टार्टिंग थी स्मॉल लेवल की थी। तो दोस्तों वैसे ही कुछ आइडिया लगा सकते हो, कोई भी एक बड़ी से बड़ी कंपनी डायरेक्टली बड़ी नहीं होती, आपको स्मॉल लेवल से स्टार्ट करना होगा। स्मॉल बिजनेस भी आपको स्मॉल लेवल से स्टार्ट करना होगा और बाद में उस पर आपको इम्प्लीमेंट करके उस बिजनेस को बड़ा करना होगा, उस आइडिया को बड़ा करना होगा और देन डोमिनेट करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपल के जो मालिक है, जो खुद जो बुक के राइटर हैं पीटर थिल, उन्होंने भी खुद ने भी एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट किया था। जब उन्हें आइडिया आया था कि लोग जब ईबे पे या कहीं भी बुक्स खरीदते थे, कुछ भी सामान खरीदते थे, तो उन्हें चेक्स के थ्रू पेमेंट करना पड़ता था, जिसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता था ट्रांजेक्शन को। तो इसीलिए उन्होंने आइडिया निकाला कि लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिखाया जाए। तो उन्होंने पेपल करके ये एक ऐसा आइडिया निकाला, एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जहाँ पे लोगों को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मिल सके और मनी भी बहुत इजीली और फास्ट मिल सके। दोस्तों ये उनका आइडिया था और वो काम कर गया, तो आज वो बिलियनर कंपनी के मालिक है और पेपल एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। दोस्तों आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि आप बाद में आप उस लेवल से डोमिनेट कर सकते हैं, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको सिंपल होने बताऊँ तो दोस्तों, अब एक बड़े समुद्र की छोटी मछली बनने से तो अच्छा है अब एक स्मॉल तालाब की बड़ी मछली बनी है। बिकॉज अगर आप बड़े समुद्र की छोटी मछली बनेंगे तो आपको बड़ी मछली खा जाएगी इजीली, इससे अच्छा है आप स्मॉल तालाब की एक बड़ी मछली बने ताकि आप उसमें वहाँ पर ग्रो कर सके, कुछ कर सके, इम्प्लीमेंट कर सकते और बाद में आप डोमिनेट कीजिए एक बड़े समुद्र के लिए। तो दोस्तों ये सारे प्रिंसिपल मैंने आपको बताया 0 to 1 बुक से। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बुक है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं मेरी तरह, मैं जो करना चाहता हूँ कुछ बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस बुक को पढ़ें। और आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, व्यू करें, कमेंट और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे आने वाले नए वीडियोज़ के लिए। दोस्तों और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।